Hey, welcome back to your channel. Today in class 6th we'll study world map. ठीक है, world map पूरा नहीं कर पाएंगे हम इस class में, आधा पढ़ेंगे. And before that, sorry for being late with this video. I'm from Haryana and Haryana में internet facilities यहाँ 1 week से नहीं है available. इस वजह से आपकी video upload नहीं हो पा रही है. अभी भी जब मैं record कर रही हूँ उस time पर भी facility नहीं है. तो जब भी यहाँ पर internet facility resume हो जाएंगी तब आपकी मैं video upload कर दूँगी. Alright, let's start. So world map में हमने पढ़ना है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ continents कितने हैं. हमारे पास हैं 7 continents: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड देन ओशियानिया. जो हमने लास्ट क्लास की थी ना उसमें मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था वर्ल्ड मैप का एंड मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स भी बताए थे उसमें. बट उसमें मैंने जो आपको 7th कॉन्टिनेंट बताया था वो ऑस्ट्रेलिया बताया था. अब देखो क्या है ना कि पहले ऑस्ट्रेलिया वो 7th कॉन्टिनेंट है. अब ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ना बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं. तो ऑस्ट्रेलिया को और बाकी के पार्ट्स को मिलाकर नया कॉन्टिनेंट बना दिया गया जिसको ओशियानिया बोलते हैं. और आपके जो अगर आपके पास पुराना एटलस है तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा. बट इफ़ यू हैव न्यू एडिशन ऑफ एटलस देन उसमें आपको ओशियानिया ही लिखा हुआ मिलेगा. बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ही है, साथ में थोड़े बहुत पोर्शन और ऐड करती हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम करते हैं बात हमारे कॉन्टिनेंट्स की. देख लीजिए, एशिया आपको दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू कलर का. देन जो सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट एशिया लिखा हुआ है ये भी एशिया का ही पार्ट है. इसको अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार जब आप जीके का कोई भी क्वेश्चन करते हैं पेपर में आ जाता है कि सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्री है, मिडल ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री है, तो उसको हम ज्योग्राफी करते हुए कवर कर लेंगे. ठीक है, फिलहाल हमें मैप पर फोकस करना है. हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पर है, देन कौन से कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में है, वो पोर्शन आपका जीके में आ जाएगा. देन आपका यूरोप है एशिया के लेफ्ट पे. और ऊपर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रशियन फेडरेशन. ठीक है, जो रशिया है ना वो इन्होंने कुछ पोर्शन येलो कलर में किया हुआ है और कुछ पोर्शन स्काई ब्लू कलर में किया हुआ है. तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो रशिया है वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है. ठीक है, तो इसका कुछ पोर्शन यूरोप में आता है एंड कुछ एशिया में आता है. देन उसके नीचे है हमारे पास अफ्रीका, अफ्रीका के लेफ्ट में है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के आप ऊपर देख सकते हैं ग्रीनलैंड लिखा हुआ है. ये आइलैंड है बट इसको नॉर्थ अमेरिका में ही काउंट किया जाता है. देन रेड कलर का आपका ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है और उसके राइट में ब्लैक कलर में ओशियानिया लिखा हुआ है. दिख रहा है आपको ओशियानिया लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये रहा. ठीक है, ओशियानिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साइड में रेड कलर में जो ये बनाए हुए हैं ना आपके आइलैंड्स और बाकी के जो पोर्शन बने हुए हैं उन सबको मिलाकर आपका ओशियानिया बनता है. ठीक, अभी नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं ओशियंस. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के आजू बाजू में ओशियंस है ना, तो मैप के साथ साथ हम वो भी क्लियर कर लेते हैं. सो वी हैव 5 ओशियंस: पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक एंड देन एटलांटिक. सॉरी, यहाँ पर एंटार्कटिक ओशियन आएगा, ये रिपीट हो गया. अब देखो आपका सबसे पहले है आपका पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल लेफ्ट में देखो और बिल्कुल राइट में देखो. अब दो दो ओशियन नहीं है, ये सिंगल ओशियन ही है. ये दो बार क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमारी अर्थ होती है वो तो गोल होती है ना और हमें मैप जो है स्ट्रेट बनाना होता है. तो ये जो आपका मैप है अगर इसको आप अर्थ की तरह ऐसे गोल करोगे तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है पीछे कनेक्ट हो जाएंगे ना, सिंगल पोर्शन बन जाएगा ना वो. तो ये फ्लैट होने की वजह से कुछ हिस्सा इस तरफ आ गया पैसिफिक ओशियन का और कुछ हिस्सा उस तरफ आ गया. ठीक है, ओशियन एक ही है, वो दो नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की, जो कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच में है. देन इंडियन ओशियन की हम बात करते हैं, जो कि हमारे इंडिया के नीचे है और ये अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है. देन आर्कटिक ओशियन जो कि हमारा नॉर्थ पोल पर है एंड देन सदर्न ओशियन जिसको एंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं वो हमारा साउथ पोल पर है. ईजी है ना, ओशियन काफ़ी ईजी है. देन अब हम करते हैं एशिया. ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है तो हम एशिया की कंट्रीज़ कर लेते हैं कौन कौन सी आती है. ये है आपका ओवरव्यू एशिया के मैप का. ठीक है, इसमें आपको रशिया दिख रहा है, मोटा मोटा सा इंडिया चाइना दिख रहा है. बट डोंट वरी, मैं इसमें से नहीं पढ़ाने वाली हूँ आपको, प्रॉपर एक एक कंट्री अच्छे से बताने वाली हूँ. ठीक है, ये है आपका मैप. सो ये आपका मैप है, वर्ल्ड मैप जो आपको लेना है फिल करते हुए. अभी आप क्या कीजिए, वीडियो रिज्यूम कीजिए एंड अपने साथ 7-8 मैप लेकर बैठ जाइए. आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एशिया एंड यूरोप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कवर कर लेंगे. सो इंडिया का आपको पता ही है कौन सा है,
देन आपको चाइना भी पता है कौन सा है, एंड देन रशिया. ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे, आपने छोटी क्लासेस में किए होंगे, तो मैंने ये सबसे पहले यही लेवल कर दी है. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के जो पड़ोसी देश है. ठीक है, इंडिया का जो पड़ोसी देश है सबसे पहले तो नीचे श्रीलंका, ये है आपका श्रीलंका. ठीक है, देन ऊपर है हमारे पास नेपाल और भूटान, साथ साथ में है. देखो मैंने ना जो कलर किया हुआ है ना कंट्री के अंदर, उसी कलर से नेम लिखा हुआ है, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, ये येलो वाला है ऊपर नेपाल, देन उसके राइट साइड में ग्रीन है भूटान. ठीक है, अगर आपको मैप में ऐसे ही फिल करना है तो आप मैप लेके वीडियो रिज्यूम करके फिल कर सकते हैं. देन उसके नीचे है बांग्लादेश, एंड देन साइड में राइट साइड पर हमारे पास है म्यांमार. ऑलराइट, देन हमारे पास आता है ऊपर देखिए मंगोलिया, ये चाइना और रशिया के बीच में आता है. जब हमने सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड वाली वीडियो की थी ना, तो मंगोलिया में हमारे पास गोबी डेजर्ट था, कोल्डेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड हमने किया था, वो मंगोलिया में था. सो ये वाला मंगोलिया है जिसके अंदर हमारा कोल्डेस्ट डेजर्ट है, कहाँ पर, चाइना एंड रशिया के बीच में. ठीक है, अभी उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने ग्रीन कलर का म्यांमार फिल किया था, उसके नीचे आपका एक पोर्शन दिया हुआ है लंबा सा, ये है आपका, ये है हमारा थाईलैंड पिंक कलर का. ठीक है, उसके नीचे आपकी छोटी सी एक और शेप दी हुई है ऑरेंज कलर की, वो क्या है, मलेशिया. अब अगर आप ये मैप लेकर बैठे हुए हैं एंड उसको फिल कर रहे हैं, तो मलेशिया के नीचे ये जो ब्लैक डॉट है ना मैंने बनाई हुई है, ये आपकी मैप में नहीं है. उसका रीज़न क्या है, ये जो आपका वर्ल्ड मैप है इसको बहुत छोटा करके बनाया जाता है, तो ओरिजिनली अर्थ पे जो चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, अगर हम उसको और ज़्यादा छोटा करेंगे तो वो मैप में एडजस्ट नहीं होगी. इसलिए कुछ चीज़ें हमें वर्ल्ड मैप पर मिलती नहीं है, हमें उनको खुद से मार्क करना पड़े. तो सिंगापुर को मैंने यहाँ पर अलग से मार्क कर दिया है, जो कि मलेशिया के बिल्कुल एंड में. ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमने क्या किया था, सिंगापुर किया था एंड मलेशिया किया था. अब उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे काफ़ी ये छोटे छोटे बहुत सारे पोर्शन बने हुए हैं ना आपके, तो इन सब में जिसमें भी मैंने रेड कलर किया हुआ है, ये है पूरा आपका इंडोनेशिया. क्या है, ये पूरा आपका इंडोनेशिया. ठीक है, यहाँ पर आपको काम आसान हो जाता है, आपको इनके अलग अलग से नेम लर्न नहीं करने हैं, और जो पोर्शन मैंने वाइट छोड़े हुए हैं उनको भी आपको वाइट ही छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर अदर कंट्रीज़ है, ये इंडोनेशिया का पोर्शन नहीं है. देन हम ऊपर बात करते हैं, हमने ये पिंक कलर का पोर्शन किया था ना हमारा, देन इसके साइड में एक राउंड शेप का पोर्शन है ये येलो कलर का, ये है आपका कंबोडिया. इसके साइड में एक ये लॉन्ग चेन है, ये है आपका वियतनाम, एंड देन वियतनाम के लेफ्ट में है आपका लेओस. हमने जब किया था कि कौन सी कंट्री है जिसकी बाउंड्री मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ शेयर होती है, हमने चाइना किया था ना, ये है आपका ऊपर चाइना, और हमने किया था चाइना की कंट्री लेओस एंड वियतनाम के साथ शेयर होती है. ठीक है, सो ये वही वाली कंट्रीज है. देन नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी इस वीडियो में हमने क्या किया, अभी पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, मलेशिया, एंड देन नीचे क्या किया था, सिंगापुर किया था. ठीक है, उसके बाद हमने ये क्या किया था, इंडोनेशिया किया था, और ये ऊपर वाला पोर्शन हमने वाइट छोड़ दिया था. तो ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये क्या है आपका, मलेशिया ही है. ठीक है, इसमें भी आप वही कलर कर लीजिए जो कि आपने मलेशिया में किया है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है आपका. ठीक, ये भी आपका मलेशिया ही है, एंड ये जो वाइट वाले पोर्शन पर मैंने आपका ये जो ब्लैक सर्कल लगाया हुआ है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रुनेई, ब्रुनेई जिसकी कैपिटल क्या है, बांगर सीरी सेरेबेन. ठीक है, तो ये आपका ब्रुनेई है, ये आप ब्लैक पेन से डॉट लगा लीजिए, ये आपको आपके मैप में लगी हुई नहीं मिलेगी. ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तिमोर लेस्टी, ये कहाँ पर है. अब हमने जो इंडोनेशिया फिल किया था उसका ये पोर्शन देखो आप, छोटा सा इसमें आपको दो पीस दिखाई दे रहे होंगे, एक पीस लेफ्ट में है और एक पीस राइट में है. जो आपका लेफ्ट वाला पीस है वो तो आपका इंडोनेशिया ही है, एंड देन जो राइट वाला पीस है वो आपका तिमोर लेस्टी. ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं ऊपर, चाइना के साइड में देखिए आप, चाइना के बिल्कुल साइड में एक जो आपका 20 डिग्री है ना लैटिट्यूड, उसके बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी डॉट बनी हुई है, छोटी सी डॉट, वो आपकी क्या है, ताइवान. और मैं आपको बता दूं, जब कोरोना वायरस फैला था, ताइवान वॉज फर्स्ट कंट्री जिसने एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी.
राइट इन दिसंबर 2019 खबर मिलते ही कि वायरस फैल गया है. एंड ऑल्सो ताइवान के बारे में बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि ये अलग से कंट्री है या चाइना का पार्ट है. ताइवान जो है अलग से कंट्री है बट ऑफिशियली वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट माना जाता है. ठीक है, देन उसके बाद ताइवान के नीचे अब आप देखेंगे कि बहुत सारे टुकड़े बने हुए हैं. दीज आर काइंड ऑफ आइलैंड्स. तो ये क्या है हमारे पास? फिलीपींस. क्या है? फिलीपींस. देन हम ताइवान से ऊपर चलते हैं, हमारे पास चाइना के ही साइड में, चाइना के साइड में यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ है अलग से. दो पोर्शन बने हुए हैं आपके, जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ नॉर्थ कोरिया और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ साउथ कोरिया. क्या है? ऊपर वाला पोर्शन इज़ नॉर्थ कोरिया एंड नीचे वाला पोर्शन इज़ साउथ कोरिया. एंड उसके बिल्कुल साइड में जो आपका पोर्शन बना हुआ है ये आपका क्या है? जापान. क्या है? जापान, जहां पर नोबिता एंड डोरेमोन रहते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं. राइट वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आप लेफ्ट में आ जाओ. अब आप हमारे पास है सेवन स्थान जिनके पीछे STEN स्थान लगता है, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान. ऐसी सेवन कंट्रीज हैं हमारे पास जिनके पीछे स्थान लगता है. तो पहले हम वो सेवन कंट्रीज कर लेते हैं. ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर येलो कलर का क्या किया था? मंगोलिया किया था. ये आपका मंगोलिया था. इसके बिल्कुल लेफ्ट में जाएंगे, इससे बड़े साइज का हमारे पास क्या है? कजाकिस्तान. क्या है? कजाकिस्तान. देन आप कजाकिस्तान के नीचे देखेंगे, कजाकिस्तान के नीचे ग्रीन कलर का जो मैंने पोर्शन किया हुआ है ये है आपका किर्गिस्तान. क्या है? किर्गिस्तान. ये इसकी कैपिटल क्या है? बिश्केक. देन हम उसके नीचे चलते हैं, वाइट वाला पोर्शन छोड़ दीजिए आप. अब आप पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा, इंडिया के लेफ्ट में जो ब्लू वाला पोर्शन मैंने किया हुआ है वो आपका पाकिस्तान है. ये आपको ट्रैक करना बहुत इजी है, मिल जाएगा मैप में. देन पाकिस्तान के लेफ्ट में हम फिल करते थे अफगानिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऊपर मंगोलिया के साइड में क्या हो गया? कजाकिस्तान एंड उसके नीचे किर्गिस्तान. तो अभी जब हमने ऊपर कजाकिस्तान किया था, देन उसके नीचे किर्गिस्तान किया था, उसके नीचे हमने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया था ना, ये जो पिंक कलर का किया हुआ है ये आपका ताजिकिस्तान. क्या है? ताजिकिस्तान. और उसके लेफ्ट में स्काई ब्लू कलर का पोर्शन जो कि कजाकिस्तान के नीचे है वो है उज्बेकिस्तान. क्या है? उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद. और एक मूवी भी आई थी ताशकंद फाइल्स, वो देखी है आपने, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी. ठीक है, देन उसके उज़्बेकिस्तान के नीचे पोर्शन है वही क्लाउड शेप का, उसका नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान. क्या है? तुर्कमेनिस्तान. और उसके बाद ये आपका सी बना हुआ है, इस सी का क्या नाम है अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब हम सारे कॉन्टिनेंट्स कर लेंगे उसके बाद आपके सी भी करवाने हैं मैंने, उसमें बताएंगे आपको. ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप सी करोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे. एक बार आपको कंट्रीज़ पता चल जाएंगी तो आपको सी के नेम लर्न करना और वो कौन सी कंट्रीज़ के आजू बाजू में वो करना थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम. अब हमारे स्थान सारे पूरे हो चुके हैं, हमने ये कर लिए थे वन, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. ये सेवन स्थान वाली कंट्रीज़ हमने कर ली थी. ठीक है, ये हमने किया था कि उसके साइड में एक सी है. अब उसके बिल्कुल हम साइड में आते हैं, यहाँ पर आपका ये दो पोर्शन बने हुए हैं. ऊपर एक पोर्शन बना हुआ है आपके मैप में, नीचे एक पोर्शन बना हुआ है. जो नीचे वाला पोर्शन है वो है आपका अर्मेनिया. क्या है? अर्मेनिया. जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपको मैप में, अगर आप वर्ल्ड मैप लेके बैठे हैं तो उसमें आपको एक सिंगल पोर्शन मिलेगा, इसके आप दो टुकड़े कर लीजिए. जो लेफ्ट वाला पोर्शन है आपका वो है जॉर्जिया एंड जो राइट वाला पोर्शन है वो है आपका अजरबैजान. और इसकी कैपिटल क्या है? बाकू. ठीक है, देन उसके नीचे आपका एक बड़ा सा ये माउस की शेप का पोर्शन दिया हुआ है, ये क्या है आपका? ईरान. ईरान आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो ईरान आपका न्यूज़ में है. ठीक है, हो सकता है कि अगर आपका मैप पे लोकेट करना आता है या कैपिटल या फिर करेंसी आती है तो ईरान या फिर इज़राइल की आ सकती है, क्योंकि वो करंट अफेयर में है. नेक्स्ट हम करते हैं, हमने ईरान कर लिया था. देन ईरान के लेफ्ट में एक पोर्शन है, आप छोटा सा उसको भी वाइट छोड़ दीजिए. देन उसके साइड में एक और छोटा सा पोर्शन है, ये जो रेड कलर किया हुआ है वो क्या है आपका? सीरिया. और सीरिया के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देखो, बिल्कुल छोटा सा, जैसे हमारे इंडिया में गोवा बना होता है ना वैसे छोटी सी शेप बनी हुई है, वो क्या है आपकी? लेबेनन. क्या है? लेबेनन. और उसके बिल्कुल साइड में निकल जाइए समुद्र के अंदर, उसके अंदर आपकी छोटी सी ऐसी ये शेप बनी हुई है, ये है आपका आइलैंड. कौन सा आइलैंड है? सिप्रस.
और इसकी कैपिटल क्या है, निकोशिया. काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है ये, ठीक है. देन हमने इसके बिल्कुल ऊपर चलेंगे हम, ये जो हमारा बड़ा सारा पोर्शन है ये क्या है हमारे पास, टर्की. टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, ठीक है. करेंगे हम कैपिटल अलग से, मैं आपको तरीका बताऊंगी कैपिटल लर्न करने का. देन अब हम नीचे आते हैं, ये वाला पोर्शन हम कर चुके थे, जॉर्जिया, अर्मेनिया, ये सीरिया, ईरान वाला पोर्शन हम कर चुके थे, ये सारा स्थान वाला पोर्शन हो गया था हमारा. अब हम उसके नीचे आते हैं. सबसे पहले आप ये जो आपका ये बना हुआ है ना, जैसे किसी का पैर बना हुआ हो, समझ लीजिए ये एशिया का पैर बना हुआ है नीचे आपका, ठीक है. ये वाला सारा आपका एशिया का पैर बना हुआ है. तो इसमें हम करते हैं, ये जो आपका पिंक वाला पोर्शन है सबसे बड़ा, ये है आपका सऊदी अरेबिया. क्या है, सऊदी अरेबिया. देन उसके नीचे लेफ्ट में जो पोर्शन बना हुआ है वो है येमन, राइट में जो पोर्शन बना हुआ है वो है ओमन, एंड ओमन के बिल्कुल ऊपर एल शेप्ड पोर्शन बना हुआ है. ये एल बन रहा है ना, ये एल शेप पोर्शन बना हुआ है, ये क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपका पोर्शन, ठीक. अब हम इसके ऊपर चलते हैं. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स किया था हमने येलो कलर का. देन इसके ऊपर आपके मैप में छोटा सा पोर्शन बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, वो है आपका कातर, जिसकी कैपिटल है आपकी दोहा. देन उसके ऊपर आप क्या करेंगे, जो आपका मैप है ना उसके अंदर है ना ये पोर्शन बना नहीं हुआ है, सिर्फ ये ऊपर वाला वाइट वाला पोर्शन बना हुआ है, इसको आप बना लीजिए. एक पेन से यहाँ डॉट लगा लीजिए, एक पेन से ऊपर डॉट लगा लीजिए, नीचे वाला पोर्शन आपका कातर हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन जो ये ब्लैक कलर वाला है ये क्या हो जाएगा, बहरेन हो जाएगा, ठीक है. आपके मैप में एक छोटी सी डॉट यहाँ भी बनी हुई है, उसमें बहरेन मत फिल कर देना, वो दूसरी कंट्री है. उसके नीचे जो छोटा सा पार्ट है उसी में कातर और बहरेन की एक एक डॉट लगा दो. देन हम उसके ऊपर चलते हैं, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन मैप में छोटा सा बना हुआ है ये क्या है, कुवैत, और जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, ठीक है. और उसके ऊपर ये एक पोर्शन बना हुआ है ये ग्रीन कलर का, ये है ईरान, ठीक. ये हम कर चुके थे, रेड कलर का हमारे पास पोर्शन ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने. उसके नीचे हमारा ये व्हाइट वाला पोर्शन खाली रहता है, तो हम ये वाला जो पोर्शन है स्काई ब्लू कलर का, ये क्या है, एमएन. देन इसके लेफ्ट में जो पोर्शन है, अब इसके लेफ्ट में कोई पोर्शन नहीं बनाया हुआ आपके वर्ल्ड मैप में, उसके लेफ्ट में आपका अफ्रीका स्टार्ट किया हुआ है, बट यहाँ पर इसराइल है, इसको आप खुद से मार्क कर लो, ठीक है. थोड़ा सा एक लाइन लगानी है बस आपको एक कलर से, वो इसराइल है, आप खुद से मार्क कर लो, वो साउथ अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीका का पोर्शन नहीं है अभी, ये थोड़ा सा एशिया का ही पोर्शन है, ठीक है. ये हमारा एशिया था, ये ख़त्म हो गया, ठीक है. काफ़ी मतलब हम देखते हैं, जब मैंने एटलस के अंदर देखा था तो उसमें कंट्रीज़ के नेम और उनकी कैपिटल्स लिखी होती हैं, रिवर्स भी बनी होती है, तो वो काफ़ी मैसी सा हो जाता है. तो यहाँ से आई होप आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो गई होगी. देन नेक्स्ट हम यूरोप पे चलते हैं. ये है आपका यूरोप का ओवरव्यू. यूरोप आपका ऐसा ऐसा दिखाई देता है, अभी हम फिल कर लेते हैं यूरोप का मैप. ये है आपकी बाउंड्री. ये बाउंड्री जो मैंने ब्लैक पेन से की हुई है, इसके नीचे हमारा सारा क्या था, एशिया था, ठीक है. ये आप बाउंड्री लगा के डिमार्केट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो अलग से एक और मैप लेके उसमें यूरोप अलग से फिल कर सकते हैं, ठीक. और ये जो ऊपर पोर्शन है, इसका आधा पोर्शन एशिया में है एंड आधा यूरोप में है, ठीक. यहाँ मैंने बाउंड्री नहीं बनाई है, नीचे मैंने बाउंड्री बना दी, जस्ट आपको पता रहे कि एशिया के अंदर कौन सी कंट्री थी. कई बार हम क्या करते हैं, कलर करते करते एशिया में पहुँच जाते हैं यूरोप से. तो हम चलते हैं अभी कंट्री के ऊपर. रशिया हम कर ही चुके हैं, रशिया का कुछ पार्ट हमारे यूरोप में है. देन हम इसके बिल्कुल लेफ्ट में आते हैं, तो आप देखो आपके मैप में ये पोर्शन बना होगा, ये छोड़ दो, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे पहले एक छोटा सा क्लाउड शेप का पोर्शन है, दैट इज़ एस्टोनिया. उसके नीचे फिर एक पोर्शन है ओवल शेप, दैट इज़ लातविया. देन उसके नीचे ये पूरा पोर्शन एक ही बना हुआ है आपके मैप में, ये पूरा पोर्शन एक ही बना हुआ है. तो इसमें आपको डिमार्केट करना है ये ब्लैक लाइन लगा के, ये वाली ब्लैक लाइन लगा के आपको डिमार्केट करना है, और इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है उसका आपको मार्क करना है लिथुनिया, ठीक है. और जो उसका राइट वाला पोर्शन है उसको आप क्या मार्क करेंगे, बेलारस, ठीक.
और जो बेलारस के नीचे आपका बड़ा सारा पोर्शन दिया हुआ है वो क्या है आपका यूक्रेन, क्या है यूक्रेन, और उसके नीचे जो छोटा सा पोर्शन निकला हुआ है वो भी यूक्रेन का पार्ट है, उसको भी सेम कलर से फिल कर देना। एंड ऑल्सो ये जो हमने अभी लिथुनिया फिल किया था मार्क करके रेड कलर से, उसके लेफ्ट में ब्लैक पेन से एक डॉट लगा दो, आपके मैप में नहीं है वो आपका रशिया का पोर्शन है। अगर नहीं भी लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रशिया का पोर्शन है, रशिया हमारे पास ऑलरेडी ऊपर मैप में थी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अगर नहीं भी मार्क करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऊपर वाले पोर्शन की। ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास आपको तीन पार्ट क्लियरली डिमार्केटेड हैं। राइट मोस्ट पोर्शन इज फिनलैंड, मिडिल वन इज स्वीडन एंड लेफ्ट मोस्ट इज नॉर्वे। कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी। ठीक है, ये मैं आपको कुछ कुछ कैपिटल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक आधी तो लर्न हो जाए वीडियो देखने से पहले। आपको क्या करना है, जब भी आप किसी कंट्री का नेम पढ़ते हैं, कोई और बुक पढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ उस कंट्री की कैपिटल को और उसकी मॉनेटरी यूनिट मतलब कि करेंसी को सर्च कर लो। तो क्या होगा, अगर आप ऐसे साथ साथ करते रहेंगे ना, तो जब आप करेंसी एंड कैपिटल्स लर्न करने बैठेंगे तो आपको 50-60 कंट्रीज़ की कैपिटल उस टाइम तक लर्न हो चुकी होगी, देन आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी लर्न करने में। अगर हम एक साथ सारा लर्न करते हैं तो वो बल्कि हो जाता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने ये वाला सारा पोर्शन फिल कर लिया था, अब हम इसके लेफ्ट में आते हैं। ये वाला सारा पोर्शन हम फिल कर चुके थे ना, इसके लेफ्ट में आते हैं। येलो कलर का पोर्शन है, ये है पोलैंड, बिल्कुल क्लियरली दिखता है ये मैप में। इसके बिल्कुल लेफ्ट में जो पोर्शन है आपका ऑरेंज कलर का, दैट इज़ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के ऊपर एक ऐसे ये बना हुआ है जैसे माउंटेन की पीक होती है ना, वैसे बना हुआ है, वो है आपका डेनमार्क। क्या है, डेनमार्क, एंड कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज़ कॉपेनहेगन। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने फिल किया था ये ऑरेंज वाला ऑप्शन, ऑरेंज वाला ना, उसके साइड में आपके दो पोर्शन और बने हुए हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका वो है नीदरलैंड्स, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका क्या है, बेल्जियम। और बेल्जियम के नीचे ये जो मैंने ब्लैक डॉट लगाई हुई है, ये भी आपके मैप में नहीं है, ब्लैक पेन से लगा लेना आप। पोर्शन बना हुआ है छोटा सा, पर शायद आपको दिखेगा नहीं मैप में। ठीक है, ये है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या होती है, लग्जमबर्ग ही होती है। ठीक, अब हम इसके नीचे चलते हैं, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। ठीक है, इसके नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास ये तो काफ़ी अच्छे से दिखता है मैप में। ये क्या है, फ्रांस, कैपिटल पेरिस। देन उसके नीचे चलते हैं, दो पोर्शन बने हुए हैं, जो बड़े वाला पार्ट है वो है स्पेन, कैपिटल इज मैड्रिड, एंड लेफ्ट वाला पोर्शन इज़ आपका पोर्टुगल, जिसकी कैपिटल है लिस्बॉन। अभी ये जो वाइट वाला पोर्शन रह गया, अब हम इस पर चलेंगे। व्हाइट वाले पोर्शन से पहले आप देख लीजिए आपका एंडोरा, जो मैंने ब्लैक पेन से मार्क किए हुए हैं, ये आपको मैप में नहीं मिलेंगे, ये आपको मार्क करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, ये है एंडोरा, इसकी कैपिटल भी एंडोरा ही है, एंडोरा ली विला। अब हम चलते हैं राइट वाले पोर्शन पे। ये जो आपका ये बना हुआ है ना, ये अजीब सी शेप बनी हुई है, ये है आपका इटली। क्या है, इटली, कैपिटल इज़ रोम। उससे ऊपर आपका छोटा सा बैलून शेप बनी हुई है, ये है आपका स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के राइट में फिर से सेम वैसी ही शेप बनी हुई है, वो है आपका ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के बिल्कुल नीचे सेम वैसी शेप बनी हुई है, सेम वैसी शेप ऑस्ट्रिया के नीचे, लेकिन उससे थोड़े से छोटे साइज़ की है, बिल्कुल छोटी सी डॉट लगी हुई है, वो है आपकी स्लोवेनिया, ये ब्लू कलर वाली। क्या है आपकी, स्लोवेनिया। और ये जो हमने अभी दो कंट्रीज़ की थी, ये स्काई ब्लू वाली और ये पिंक वाली, इनके बिल्कुल बीच में आप एक डॉट लगा लीजिए ब्लैक कलर की, वो क्या है, लिक्टेनस्टीन। क्या है, लिक्टेनस्टीन, जिसकी कैपिटल है वेदुज। एक हमारे हमने अभी अभी ये ग्रीन कलर का इटली फिल किया था ना, इटली के साइड में आपकी दो डॉट्स लगी हुई मिलेंगी आपको, ये दो डॉट्स, जो नीचे वाली डॉट है ना वो आपका इटली का ही पार्ट है, बट जो ऊपर वाली डॉट है वो आपकी क्या है, कोर्सिका। क्या है, ऊपर वाली डॉट आपकी कोर्सिका, उसको डिफरेंट कलर से फिल करना, बिकॉज कोर्सिका इज़ अ डिफरेंट कंट्री एंड नॉट पार्ट ऑफ इटली। ठीक है, तो चलो अब हमने ये बैलून शेप फिल की थी, उसके नीचे ये फिल किया था हमने, स्लोवेनिया फिल किया था ना, अब हम चलते हैं इनके साइड में।
हम ये फिल कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन आप फिल कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं हम, ये जो आपका है बड़ी सारी शेप जो आपकी बनी हुई है, ये क्या है, सीजेक रिपब्लिक। देन उसके हम नीचे चलते हैं, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है आपका, ये क्या है, स्लोवाकिया। स्लोवेनिया एंड स्लोवाकिया आर टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। देन उसके नीचे चलते हैं हम, स्लोवाकिया किया था हमने ये, उसके नीचे आपका जो पोर्शन है ब्लू कलर का वो क्या है, हंगरी है। एंड उसके नीचे जो रेड कलर का पोर्शन आपका बना हुआ है बड़ा सारा राइट पे, वो क्या है, रोमानिया। क्या है, रोमानिया। देन रोमानिया के ऊपर जो पोर्शन मैंने वाइट कलर में छोड़ा हुआ है वो है आपका मेल्डोवा, ये वाला पोर्शन वाइट वाला मेल्डोवा। रोमानिया के ठीक नीचे येलो कलर का पोर्शन है आपका बल्गेरिया, ठीक है, रोमानिया के नीचे है। अब ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे है ना, मतलब ये आधा पोर्शन बल्गेरिया है और इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है ना वो एशिया का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बल्गेरिया फिल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और ये जो हम कर चुके थे, हमारा ये वाला पोर्शन हमने कर लिया था, इसके नीचे आप क्या करो, इसके नीचे है ना ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है ना मैप में, ये वाला पोर्शन ये पूरा दिया हुआ है, बट आपको इसमें है ना कुछ हिस्से में क्रोएशिया फिल करना है। कितने हिस्से में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक ही कलर कर लो इसमें, ठीक है, ये आपका क्रोएशिया हो जाएगा, ठीक। और देन उसके नीचे जो आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये, और थोड़ा सा बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन, ये हमने इटली किया था ना, इसको ग्रीक मत समझ लेना, ये ग्रीन में है और ये भी ग्रीन में है, नहीं, इटली हम कर चुके हैं पहले, ये जो ग्रीक है ना ये वाला पोर्शन है ये राइट में, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका ग्रीन है। देन जो हमने ग्रीन वाला पोर्शन किया है उसके ऊपर आपके दो बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्शन बने हुए हैं, लेफ्ट वन इज़ अल्बानिया एंड राइट वन इज़ मैकेडोनिया, लेफ्ट वन इज़ अल्बानिया राइट वन इज़ मैकेडोनिया। जो हमने अल्बानिया किया है, अल्बानिया के ऊपर आपका क्या दिया हुआ है, अल्बानिया के ऊपर ना आपका ये वाला पोर्शन है ना मैप में एक ही दिया हुआ है, बट ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। लेफ्ट में छोटा सा मार्क कर लीजिए मॉन्टेनेग्रो, लेफ्ट में क्या है आपका मॉन्टेनिग्रो, एंड देन राइट में मॉन्टेनिग्रो के राइट में आपका क्या है, सर्बिया। क्या है, सर्बिया, जिसकी कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। और ये सब फिल करने के बाद आपका एक वाइट कलर का पोर्शन बच जाएगा ये वाला, और ये क्या है आपका, बोस्निया, ठीक। और ये जो हमने अभी सर्बिया फिल किया था येलो कलर का, उसके नीचे छोटी सी डॉट लगा लो आप ब्लैक कलर की, दैट इज कोसोवो। क्या है वो, कोसोवो, ठीक। ये जो हमने इटली फिल किया था, इटली में आप एक ब्लैक डॉट लगा लो, ये क्या है, होली सी, कैपिटल क्या है, वेटिकन सिटी, होली सी एंड कैपिटल इज वेटिकन सिटी। देन ये आपका पूरा पोर्शन हो गया हमारा यूरोप का, इसके साइड में देखो ये दिया हुआ है आपका छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है आइसलैंड, आइलैंड का नाम है आइसलैंड, ये आप मार्क कर लीजिए। और ये जो ऊपर लाइन गई हुई है ना, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ, क्या है, ट्रॉपिक नहीं है ये है आपका आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल से नीचे है बिल्कुल आपका आइसलैंड। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं और ये वाला पोर्शन, ये आपका राइट वाला पोर्शन इज यूनाइटेड किंगडम एंड लेफ्ट वाला पोर्शन इज आयरलैंड, जो ब्लू कलर का है, ठीक है। अच्छा, एक इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम सुना होगा आपने, तो आप बचपन से ये सोचते आ रहे होंगे कि वो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। जो आपका यूनाइटेड किंगडम और जो इंग्लैंड है वो एक ही चीज़ के नाम नहीं है, एक्चुअल में ये जो आपका रेड वाला पोर्शन है ना, ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है, और इसमें है ना आयरलैंड को हम मिला देंगे और एक दो पोर्शन और मिल जाएंगे, छोटे मोटे आइलैंड्स मिल जाएंगे, तो वो जो पूरा क्या हो जाता है, वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नेम लर्न करने है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो फिर आप गूगल कर लीजिए उसको अभी, ठीक। नेक्स्ट हम करते हैं माल्टा, जिसकी कैपिटल है वैलेटा, ये इटली के जस्ट नीचे डॉट लगा लो, लगी नहीं हुई है, वह आपका क्या है, माल्टा है। देन नेक्स्ट है आपका मोनेको,
मोनेको शिनचैन में आती है ना, मोनेको दीदी वो वाली मोनेको है ये जो आपका हमने क्या किया था, इटली इटली जहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है आपका वो, वहाँ पर आप एक डॉट लगा लो, दैट इज़ मोनेको। उसके बाद हम बात करते हैं सेन मारिनो, जिसकी कैपिटल सेन मारिनो ही है। ये आपका इटली है वापस से, इटली के आजू बाजू में बहुत आइलैंड है। ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर लिया हमने, ये वाला भी। तो आपका बच गया कौन से वाला, ये।